Hey, what's up, you guys? तो आज हम बात करने वाले हैं हुडी 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 हुडी। तो आज मैं आपको ऐसे 6 मोस्ट पॉपुलर हुडीज के टाइप्स बताने वाला जिन्हें जान के आप खिल उठोगे। That's interesting boys, let's hop in. Number 1 is a pullover hoodie, जो कि इनफॉर्मल टाइप में आती थोड़ी सी, और ये हमारी जनरेशन ने बहुत ही ज्यादा इसे फेमस कर रखा है। जो भी आप देख लो, जिसे भी आप टीनेजर को देख लो, बेसिकली उनके पास इस टाइप की हुडी तो डेफिनेटली होने ही वाली है। एक और बात, ये थोड़ी सी चीप भी है। डोंट वरी, आपने इसे फेमस करा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा चल रही है आजकल। नंबर 2 इज स्लिम फिट हुडीज। अब ये हुडीज बेसिकली वो लोग पहनते हैं जिनका थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा हेल्दी होता है, समझ रहे हो ना इसको थोड़ा सा। तो वो इन हुडीज को इसलिए पहनती है ताकि वो स्लिम दिखे, और बेसिकली इस हुडी का यही काम होता है, जो आपकी शेप है उसकी जगह आपको स्लिम दिखाने का। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी पर्सन हो तो इस हुडी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 इज जिप अप हुडीज, जो अभी मैंने पहनी हुई है, यही है वो जिप अप हुडीज। बेसिकली इन टाइप की हुडीज को पहना जाता है विंटर्स में। बाकी कुछ हुडीज होती है बहुत ज्यादा लाइट होती है जिन्हें आप गर्मी में भी पहन सकते हैं, बट इस टाइप की हुडीज को आपने सर्दियों में ही पहनना है। और अगर आप कोई भी हुडी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, स्टार्ट करना बेसिक कलर से। कोई भी ज्यादा लोकस फोकस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर, क्लीन प्लेन क्लासी दिखोगे। और डेफिनेटली इस हुडी को बहुत कम लोगों ने ट्राई करा हुआ है, तो डेफिनेटली जाके इसे ट्राई कर लो, कमाल के दिखने वाले हो। नंबर 4 इज पोलो हुडीज। मेरी पहली बात सुन लो, ये पोलो एक, जहाँ पे जो मैंने पोलो वर्ड यूज करा ना, एक डिजाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि किसी ब्रांड को। तो इस बात को दिमाग में रखो, नो प्रमोशंस। तो जो पोलो हुडीज होती है, अगर आपने देखी हो तो उनका थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है डिजाइन में और थोड़ा सा मे बी फैब्रिक में, बट कमाल के देखते हैं। जो भी मैं हुडीज बता रहा हूँ सभी के सभी कमाल के, ये आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सी चूज करनी है। तो लिटिल बिट डिफरेंस होता है पोलो हुडीज का बाकी हुडीज के कंपेरिजन में, कीप इन माइंड। नंबर 5 इज स्केट हुडीज। अब ये हमारे इंडिया में भी अपने चलती है, बट इसका नाम इतना नहीं दे रखा है। हमारे इंडिया में बस एक ही नाम से जाते हैं, जिसको सभी हुडीज को एक ही नाम दे रखा है, हुडीज। जबकि ये थोड़े से टाइप्स बता रहा हूँ मैं। तो स्केट हुडीज बेसिकली नाम से पता चल रहा है स्केटिंग जो करते हैं उनके लिए बेसिकली यूज होते हैं, यानी थोड़ा वेस्टर्न की तरफ चली जाती है ये। बट इसका प्राइमरी पर्पस मैं बता देता हूँ, मेन क्या होता है, हमारी चेस्ट को वार्म रखना, कुछ इस टाइप का डिजाइन होता है। अगर आपको इस डिजाइन की कहीं दिख गई तो समझ लो वो स्केट हुडी होती है। फिर से एक बात बता दूं, बहुत ही माइनर डिजाइन्स में फैब्रिक्स में फर्क है इनके, आपको वो थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। इट जस्ट अ वीडियो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके, कि हुडीज के भी टाइप्स होते हैं आगे, जस्ट फॉर दैट। एंड फाइनल नंबर 6 धमाल मचाने वाली हुडी है यहाँ पे हमारे पास, फर हुडीज। नाम से पता चल रहा है इनके ऊपर फर लगा होता है, और ये जब आप देखोगे ना, सिंपल सी बात है, कोल्ड वेदर में से पहना जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इसको बाकी हुडीज से डिफरेंट बनाती है, वो है इनका फर। तो ऊपर हाई क्वालिटी का फर हो तो ही आप खरीदना उसे, नहीं तो क्या पता वो फर निकल जाए और सिंपल हो ऐसी हुडी रह जाए। तो हाई क्वालिटी का फर होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं का तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल ग्रूमिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। जस्ट टुडे बॉयज, see you next time.